नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखिए न्यूज 50 बिना ब्रेक। तमिलनाडु में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। एडीएमके की महासचिव शशिकला का ऐलान, आज नए तरीके से करेंगे प्रदर्शन। क्या एडीएमके महासचिव शशिकला ने राज्यपाल विद्यासागर राव पर लगाया आरोप, शपथ ग्रहण में जानबूझ कर रहे हैं देरी ताकि पार्टी में पड़े फूट। तमिलनाडु में पनीरसेल्वम गुट को नई ताकत मिली, पार्टी के 4 सांसदों ने दिया पनीरसेल्वम का साथ। उत्तराखंड में आज रैलियों का रविवार, पीएम मोदी समेत कई नेता करेंगे तूफानी दौरा। उत्तराखंड में पीएम की आज 2 जनसभाएं, श्रीनगर में सुबह 11 बजे और पिथौरागढ़ में दोपहर 2 बजे करेंगे चुनावी रैली। उत्तराखंड में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मांगेंगे वोट। हरिद्वार जिले में सुबह 11 बजे नुक्कड़ सभा और शाम 4:30 बजे हरिद्वार में रैली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी उत्तराखंड में 3 रैलियां, उत्तरकाशी से लेकर कोटद्वार तक की जनता से मांगेंगे वोट। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उत्तराखंड में 3 जनसभा, अल्मोड़ा में लोगों को करेंगी संबोधित। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए राजनाथ सिंह की 4 रैलियां, बदायूं से लखनऊ के बीच बीजेपी के लिए मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों का रविवार, यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी आज 6 चुनावी सभाएं करेंगे। यूपी के पहले चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर चुनाव में कुल 64.22% मतदान। समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद अतीक अहमद गिरफ्तार, 25 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में। यूपी के फिरोजाबाद में बीती शाम बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस थाने में भी चली गोलियां लाठी डंडे। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक एमटीबी नागराज की 120 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश, आयकर विभाग ने किया है दावा। कर्नाटक में छापेमारी के दौरान 1,10,00,000 रुपए कैश और 10 किलो सोना जब्त। गुरुवार से ही नागराज के ठिकानों पर छापेमारी चल रही। 33 अरब की ठगी के मास्टरमाइंड अभिनव मित्तल के दफ्तर पर छापेमारी, 32 सीपीयू और करीब 7 करोड़ के डिमांड ड्राफ्ट जब्त किए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, पदरे खाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बार फिर गिरी छत, किसी के घायल होने की खबर नहीं, आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर। गुरुग्राम में टोल कर्मी से मारपीट, पैसे मांगने पर भड़के स्थानीय नेता। दिल्ली के कश्मीरी गेटी इलाके में 2 व्यापारी भाइयों की हत्या मामले में दुकान पर काम करने वाले फरार 2 लड़कों की तलाश। हांगकांग से दिल्ली आए 2 लोगों के पास से 55 लाख रुपए का सोना बरामद, पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत 2,39,00,000 रुपए। बीती रात दिल्ली के गोकुलपुरी में दुकानदार के साथ कहासुनी के बाद 3 बाइक सवारों ने चलाई गोली, दुकानदार ने वक्त रहते लाइट बंद की, हमलावरों में से 1 को लगी गोली। गुरुग्राम के मन्नापुरम गोल्ड कंपनी से लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लूट का 30 किलो सोना और हथियार बरामद। दिल्ली में एक बेस्ट कैब सर्विस के ड्राइवर्स की हड़ताल का आज 3रा दिन, कम किराए और सुविधाओं में कमी से नाराज होकर हड़ताल पर हैं ड्राइवर्स। बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 छात्रों को पटना एसआईटी ने रिमांड पर लिया है, चारों छात्र हाजीपुर में अलग अलग एग्जाम सेंटर से पकड़े गए। यूपी के मऊ में राशन की दुकान में धांधली का आरोप, लोगों ने लगाया NH-29 पर जाम, कई महीने से राशन नहीं बांटे जाने का आरोप। यूपी के ललितपुर में बीती शाम मौसम ने अचानक करवट ली है, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में ओले गिरे। मुंबई से सटे वसई के युवक की जमैका में हत्या, सेल्स पर्सन के तौर पर काम करता था, लूट का अंदेशा। दिल्ली में हाई प्रोफाइल शादियों में चोरी करने वाले 2 चोर बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं, सीसीटीवी की मदद से हुआ है खुलासा। बिहार के मधुबनी में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, परिवार वालों ने नर्सिंग होम में जमकर किया हंगामा। जयपुर में एसओजी ने ब्लैकमेलर गिरोह का खुलासा किया है, प्रॉपर्टी कारोबारी सहित 2 महिलाएं गिरफ्तार, 10 वारदात में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूलने की बात सामने। राजस्थान के धौलपुर में बेकाबू कार पलटी, हादसे में 1 बच्चे की मौत, 5 लोग घायल। जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते व्हील कवर बंद नहीं हुए। जयपुर में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों के साथ 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश समेत 5 बीजेपी नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट में हाजिर नहीं होने का आरोप। बिहार के रोहतास में पत्थर खनन का अवैध कारोबार जारी, प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप, सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान। राजस्थान के डूंगरपुर में 70 करोड़ की ठगी करने वाले 4 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, 1,000 लोगों को ठगने का आरोप। जयपुर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में 1 टीचर की गिरफ्तारी, आरोपी के मोबाइल से 76 अश्लील क्लिप्स बरामद। यूपी के बाराबंकी में 4 बदमाशों ने युवती से गैंगरेप का वीडियो इंटरनेट पर डाला, पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी, 1 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के कौशाम्बी से बदमाशों ने पिता और बेटी की पीट पीट कर हत्या की। नाराज लोगों की मौके पर पहुंची पुलिस के साथ हुई झड़प। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों ने महिला को केरोसिन छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की। मां को बचाने की कोशिश में बेटा भी बुरी तरह से झुलस गया। बिहार के किशनगंज जिले में साथी की मौत से नाराज सैको आदिवासी थाने के बाहर खड़े हो गए। हमला किया, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आके हवाले कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में छापेमारी। पुलिस ने 29 छात्रों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया। शराब की 6 बोतलें भी बरामद की गई। यूपी के बांदा में एक लड़की ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। 20 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद किया गया शव। सुसाइड नोट में प्यार में धोखा मिलने की बात लिखी हुई है। यूपी के झांसी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। इंदौर में मुंबई एटीएस ने सिमी के संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी जाबिल परवाज सिमी सरगना सफदर नागौरी का छोटा भाई बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप रेलवे ट्रैक पर जाकर पलट गई। रेलवे कर्मचारी ने सतर्कता दिखाई, बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ को किया गया रेस्क्यू। एक चौकीदार को मार चुका था ये।